देखते हैं दिन भर की खबरें। मधुबनी जिले में आज मिले 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या हो गई 3566, जिसमें 2142 लोगों ने दी है कोरोना को मात। 4 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत, 1410 लोगों का चल रहा है उपचार। लखनऊ प्रखंड के लिए आज राहत पहुंचाने वाली बात। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दीप पश्चिमी पंचायत में शिविर लगाकर 257 लोगों की हुई कोविड-19 जांच, जिसमें नहीं मिले एक भी पॉजिटिव मरीज। बीते बुधवार को विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और तोड़फोड़ मामले में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। आरोपी पवन कुमार झा और उसके पुत्र रूपक झा के विरुद्ध सहायक अभियंता संजीव कुमार कापड़ ने लखनौर थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। अंधराठाड़ी में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नई सेवा शर्त नियमावली की प्रतियों को जलाकर जताया रोष। प्रखंड अध्यक्ष अमरेश कुमार यादव ने कहा कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अपनी चिर परिचित मांग समान काम का समान वेतन मान, पुराने शिक्षकों की तरह का सेवा शर्त, पुरानी पेंशन अनुकंपा के पुराने नियम के तहत बहाली राजकर्मी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों पूरे होने तक रहेंगे आंदोलनरत। जयनगर देवथा सड़क मार्ग NH 104 पर बाजार समिति के पास एक बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलटा। किसी प्रकार के जान माल की नहीं हुई क्षति, सड़क जर्जर होने के कारण आए दिन होती रहती है दुर्घटनाएं। जयनगर के तत्कालीन सहायक अभियंता त्रिपुरारी सहाय के निधन पर विभिन्न राजनीति व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जताया शोक। यूनियन टोला में शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। प्रोफेसर विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में भाकपा के पूर्व राज्य परिषद सदस्य अमरुद्दीन सहित अन्य ने दी दिवंगत त्रिपुरारी सहाय को श्रद्धांजलि। जयनगर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की मनाई गई जयंती। मधुबनी जिला युवा कांग्रेस की तरफ से वृक्षारोपण और पूर्व पीएम के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मौके पर विकास यादव, फैजी आर्यन, बबलू चौधरी, ऋषिदेव सिंह, मनोज मिश्रा सहित अन्य लोग रहे मौजूद। कुलबराज के बाढ़ प्रभावित इस्लामपुर, कालीपुर सहित आसपास के आधा दर्जन गांव की करीब 25,000 की आबादी को मिली तत्काल राहत। बुधी बलान नदी पर इस्लामपुर कोसी बांध से कालीपुर जाने वाली सड़क पर स्थानीय विधायक गुलजार देवी द्वारा अपने स्तर से कराया गया चचरी पुल का निर्माण। लोगों को तत्काल आवाजाही की समस्या से मिली मुक्ति। बेनीपट्टी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के बलिया गांव में छापेमारी कर 177 बोतल नेपाली देसी शराब किया गया बरामद। बरामद शराब की बोतलें बोरी में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने बलिया गांव के सितेश महतो, नीतीश महतो, दिनेश महतो के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। तीनों नामजद आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से हैं फरार। बाबूबरही में शिक्षकों के नई सेवा स्तर की प्रतियां जलाकर जताया विरोध। बीआरसी कार्यालय के सामने सत्येंद्र कुमार पासवान की अध्यक्षता में और सुरेश चंद्र सुमन के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में नियोजित शिक्षकों ने कहा कि नई सेवा शर्त नियमावली मान्य नहीं, सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर रही है राजनीति। बाबूबरही में सद्भावना दिवस पर पुलिस अधिकारी सहित कर्मियों ने ली शपथ। थाना अध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा थाना में पदस्थापित सभी कर्मियों, महिला आरक्षी बल और ग्रामीण पुलिस को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की भावनात्मक एकता और सद्भावना का दिलाया गया शपथ। बिस्फी के परसौनी में बाइक तेज चलाने को लेकर 2 समुदाय के नव युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट। इस मामले में परसौनी गांव निवासी आलोक कुमार मेहता को पतौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इससे पहले हिरासत में लिए गए 9 लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद भेज दिया जेल। 10 नामजद आरोपी अभी चल रहे फरार। घुघड़िया प्रखंड मुख्यालय के थाना चौक पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड इकाई के द्वारा नई सेवा स्तर की प्रति जलाकर जताया विरोध। प्रखंड अध्यक्ष सह जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश ने कहा कि नई सेवा स्तर शिक्षकों के साथ है भद्दा मजा। घुघड़िया बाजार में कंटेनमेंट जोन के भीतर सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर 2 किराना दुकानों को किया गया सील। सीओ पूनम मिश्रा के द्वारा की गई कार्रवाई। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में आज कृषक उत्पादक संगठन निर्माण एवं संवर्धन योजना और कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की हुई बैठक।
जिसमें मुख्यतः भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कृषक उत्पादन संगठन निर्माण एवं कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 3% ब्याज समवेशन को लेकर हुई चर्चा। बेनीपट्टी के अकोर में शहीद कॉमरेड सोमन सदाए का भाकपा माले ने मनाया शहीद दिवस। साल 2005 को सामंती अपराधी ताकतों ने सीपीआई के समर्थक सोमन सदाए की कर दी थी हत्या। उपस्थित माले कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए गरीबों के हक और हकूक के लिए आंदोलन जारी रखने का लिया संकल्प। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।